नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर में बात करने वाला हूँ विधानसभा एंड लोकसभा, जो हमारे यहाँ पे राज्य, ठीक है, जितने भी टोटल हमारे यहाँ पे 28 राज्य हैं, ठीक है। इन स्टेटों के बारे में हम देखने वाले हैं कि इनमें कितने विधानसभा और लोकसभा की सीटें होती है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हमारे यहाँ पे पूरे स्टेट में कौन कौन सी होती है, टोटल 28 है, बट इस लेक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे 20 की, ठीक है। इसके अगले लेक्चर में 8 का और अवेलेबल करा दूंगा। तो 20 के देखने के बाद आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे 8 का। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से पहले प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक में जब तक खुद से आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक इस चीज का कुछ मतलब नहीं निकलेगा। आप खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से चीजों को बनाइए, ठीक है। फिर भी मैं आपको हिंट देता हूँ चीजें बनाते कैसे है, 20 में बताऊंगा, 8 आपको करना रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम लॉस किए हुए। तो अब आज आप देखेंगे कि वो जो वर्ड मैंने आपको बोला था कि आप याद करके रखिए, 1 से 100 तक के जितने भी वर्ड्स को आप बना सकते हैं, एक स्पेसिफिकली वर्ड बना के उसको याद कर लीजिए, ठीक है। उसको याद करने का तरीका यही होता है कि उसको बार बार लिखते रहिए, एक बार देखिए, फिर लिखिए, एक बार देखिए, लिखिए, ऐसे करते करते आपको एक हफ्ते के अंदर पूरा का पूरा याद हो जाएगा। और वो एक बार याद हो गया तो आप कोई भी चीज आसानी से मेमोराइज कर सकते हो। आइए देखते हैं किस तरह से हमारे यहाँ पे कौन कौन सी सीटें हैं, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हमारे स्टेट में, तो पहले हिमाचल प्रदेश, असम, गोवा, मिजोरम, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 10 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पंजाब, ओडिशा, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु और झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, सॉरी। तो ये हो गए टोटल 20, ये 20 मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे जो मैंने लिखा हुआ है एमएलए सीट, इसको एमएलए सीट भी बोला जाता है, और इसको एमपी सीट, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हमारे यहाँ पे कैसे हैं, तो कितनी सीटें हैं वो कैसे याद किया था, क्योंकि रेलवे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ये बन जाते हैं कभी कभी, और हम आंसर नहीं दे पाते, क्योंकि हमको रटना रहता है, हम रटते हैं, भूल जाते हैं, हमारी गलती नहीं होती है, क्योंकि हमको एग्जाम में उस समय याद नहीं आ पाता कि कौन सी सीट थी, ये वहां की सीट थी, असम की सीट थी। तो आज भी याद नहीं करना, उस समय भी हमने याद करते थे, आज भी हमको याद नहीं करना, हमको यहाँ पे चीजें समझना है। आज इस बार हमको चीजें क्या करना है, समझना, याद नहीं करना। इस बार हम देखते हैं कि चीजें किस तरह से समझ के क्या हम आंसर दे सकते हैं। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि जैसे ही वीडियो खत्म होगा, आप तुरंत एक पेन लीजिए और बुक लीजिए, आप लिख के देखिए, आपको आ जाएंगे, ठीक है। पूरे के पूरे आप 20 लिख सकते हैं, एक मात्र 5 मिनट के अंदर तो आप लिख ही देंगे, ठीक है। चलिए, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को मैंने एक कॉमेडी इमेज बनाया था, हिमाचल प्रदेश को मैंने क्या कॉमेडी इमेज बनाया था कि हम चले प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से क्या बनाया था, हम चले प्रदेश। तो हम चले प्रदेश, अब इसको कैसे याद करेंगे, एमएलए में यहाँ पे लोकसभा में 68 है और राज्यसभा में 4 है, तो अब कैसे याद करेंगे इसको, देखो, हम चले प्रदेश, एमएलए के लिए 68 है और एमपी के लिए 4 सीट है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश 68 से जीएफ बन सकता है और 4 से कैसे बन सकता है, देखो ध्यान से सुनो, हम चले प्रदेश अपनी जीएफ के साथ में, हम चले प्रदेश अपनी जीएफ के साथ में, और जब हम वहां से लौटे तो हम दो हमारे दो कितने हो गए, 4। तो आप किसके साथ में गए थे, जीएफ के साथ में, हम चले प्रदेश अपनी जीएफ के साथ में, और जब हम लौटे तो हम दो हमारे दो, 4, ठीक है। कितना ज्यादा इजी है, तो अब सिर्फ स्टोरी पे ध्यान देना, ना कि इस नंबर पे ध्यान देना, आपको सिर्फ स्टोरी पे ध्यान देना है और इस वर्ड को ध्यान देना है कि हिमाचल प्रदेश को आपने किससे इंडिकेट किया था, क्योंकि अगर ये नहीं याद आएगा तो मेरे ख्याल से तो ये तो पक्का नहीं याद आएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं आता, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं याद आएगा तो ये तो कंफर्म नहीं याद आने वाला, तो आपको इसको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि इसको किस वर्ड से याद कर रखना है, और हर टाइम मैं एक ही वर्ड को इसलिए रखता हूँ ताकि वो चीज आपको याद आ जाए। तो हम चले प्रदेश जीएफ के साथ में, और जब लौटे तो हम दो हमारे दो। नेक्स्ट असम, असम से आसाराम बना सकते हो, ठीक है। आसाराम बहुत डेंजर आदमी है, आसाराम बहुत डेंजर, DNG, ठीक है, DNG, डेंजर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डेंजर आदमी है, अगर आपने, आपको ये, आप न्यू है, आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप पहले मेरा मेमोरी ट्रेनिंग का फर्स्ट वीडियो देखिए, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में मैंने चीजें बताई हुई है कि किस तरह से नंबर्स को वर्ड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं समझेगा, अगर आप न्यू है तो आप पहले पहला वीडियो देखिए, ट्रिक किस तरह से मेमोरी ट्रेनिंग में ये ट्रिक किस तरह से काम करता है, और देन इस पे आइए, ठीक है, और जो देख रहे हैं वो कंटिन्यू करिए। तो 1 to 6 डेंजर, ठीक है, 1 to 6 क्या है, डेंजर। आसाराम बहुत डेंजर आदमी है, क्योंकि औरतों पे क्या करता है, वो डोरा डालता है, डोरा, ठीक है, डोरा मतलब होता है कि जिसे फंसाना होगा, ठीक है, डोरा डालता है। आसाराम बहुत डेंजर आदमी है, क्योंकि वो क्या करता है, डोरा डालता है, डीओरा, डोरा डालता है, ठीक है। नेक्स्ट गोवा, आप गोवा गए थे घूमने अपने वाइफ के साथ में, आप गोवा गए अपने वाइफ के साथ में घूमने के लिए, आप गोवा गए अपने वाइफ के साथ घूमने के लिए आरएसपी के, ठीक है, क्या पी के गए थे, आरएस। तो आप अपनी वाइफ के साथ गोवा गए थे घूमने के लिए
आरएसपी के, आरएस मतलब समझ रहे हो, मैं जो 40 से इंडिकेट करता था आरएसपी के गए, तो आरएसपी के गए कौन कौन गया था, तुम और आपकी वाइफ, आप और आपकी वाइफ दो लोग गए थे, ठीक है। ऐसा इमेजिन करिए कि आप गोवा गए घूमने के लिए और आरएसपी के गए थे, और कौन कौन गया था, आप और आपकी वाइफ गई थी, दो लोग गए थे, ठीक है। मिजोरम, मिजोरम से आप वर्ड बना सकते हैं मजा राम, ठीक है, मजा आ रहा है राम को, ठीक है, मजा आता है राम को, मिजोरम से मजा आता है राम को, मजा आता है राम को आरएस पीने में, आरएस पीने में पूरी की पूरी एक बोतल, ठीक है, पूरी की पूरी क्या, एक बोतल आरएस पीने में राम को मजा आता है, ऐसा बोला जाए तो साफ साफ शब्दों में मजा आता है राम को आरएस पीने में पूरी एक बोतल। नेक्स्ट, और आप अगर ध्यान देंगे तो हर बार इस साइड की सीटें बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, तो अगर कंफ्यूजन अगर कभी हो जाता है तो आप ध्यान रखें कि जो भी कम नंबर्स के आ रहे हैं, जो भी वर्ड को कनेक्ट करने पर कम आ रहे हैं, वो समझ आए कि एमपी की सीटें हैं, ठीक है, राज्यसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट, गोवा हो गया, मिजोरम हो गया, बिहार, बिहार का कैसे 243 और 40 है, 243 और 40, तो बिहार को कैसे याद करेंगे, बिहार के लोग जो होते हैं बहुत नर्म दिल के होते हैं, किस किस दिल के होते हैं, नर्म दिल के, नरम, ठीक है, नर्म, एन आर एम, नर्म दिल के होते हैं, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आरएस पीते हैं, क्या करते हैं, बहुत ज्यादा आरएस पीते हैं, तो बिहार के लोग बहुत ज्यादा नर्म होते हैं क्योंकि वो क्या पीते हैं, आरएस पीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश 403-80, ये आप बताएंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आप बताएंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश का आप मुझे बताएंगे, नीचे कमेंट करिए, आप देखते हैं वीडियो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप पूरा देख रहे हैं, क्या डाउट आ रहा है, क्या नहीं, आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज कमेंट करिए, रॉन्ग भी कमेंट करिए लेकिन करिए जरूर, ताकि मैं देखूं तो सही कि हाँ आपको आ रहा है कि नहीं, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई तो करूंगा, एटलीस्ट आप कमेंट ही नहीं करते तो मुझे लगता है कि सेटिस्फाई हो गए रहोगे, ठीक है, कमेंट करिए, मुझे बताइए कि आपको आता है या नहीं, तो आप कमेंट करिए, ठीक है। 403-80, झारखंड, झारखंड से क्या वर्ड निकल सकता है, झार, ठीक है, झार, झारखंड से क्या वर्ड निकल सकता है, झार। आपने एक व्यक्ति को, आपने एक फैटी व्यक्ति, फैटी यहाँ से क्या वर्ड निकलेगा, फैट, एक फैटी व्यक्ति जो मोटा होता है, आपने एक फैटी व्यक्ति को बहुत ज्यादा झाड़ दिया, क्यों, क्योंकि उसने दारू पी रखा था, क्या पी रखा था, वन से डी और फोर से आर, उसने क्या पी रखी थी, दारू, एक फैटी व्यक्ति को आपने बहुत ज्यादा झाड़ दिया क्योंकि वो क्या पिया था, दारू पिया था, तो इस वर्ड को इससे कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस वर्ड को इस वर्ड से कनेक्ट करना, क्योंकि आप ये देखेंगे एग्जाम में तो आपको ये याद आना चाहिए, तो जब आप इस वर्ड को मेमोराइज करके रखेंगे, मिजोरम से मजा आ रहा है राम, बिहार, बिहार, बिहार से बिहारी था, असम से आसाराम, हम चले प्रदेश, ठीक है, इस तरह से आपको वर्ड को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, सिक्किम, तो सिक्किम से होगा सिख कम, सिक्किम से क्या हो जाएगा, सिख कम, आप ऐसा इमेजिन करिए कि आप जिस जगह पे रहते हैं वहां बहुत ज्यादा सिख लोग रहते थे, तो अब सिख कम हो गए हैं, जो सिख पहले वहां पे रहते थे अब सिख कम हो गए, तो सिख जब कम हो गए तो आप नाराज हो जाओगे, क्यों, उदास हो जाओगे, क्योंकि आप सोचोगे यार मेरे वो लोग थे तो मेरा मन लगता था, अब वो लोग भी चले गए, मेरा मन यहाँ पे नहीं लगता, तो सिख लोग कम हो गए तो आपका मन नहीं लगता, देखो मन एम थ्री से एम एन, मन नहीं लगता और आप अकेले हो गए, वो लोग सब चले गए ना, सिख वाले सब चले गए, तो आपका मन नहीं लगता, क्यों, क्योंकि आप, सॉरी, आपका मन नहीं लगता और अब आप क्या हो गए, अकेले हो गए। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश मैंने किसे इंडिकेट किया होता, अंधा व्यक्ति, ठीक है, अंधा व्यक्ति, तो आपने एक अंधे व्यक्ति को ढकेल दिया नाली में, ढकेला डी के एल, ढकेला, ठीक है, ढकेला नाली में, एल एल, नाली में आपने अंधे व्यक्ति को क्या कर दिया, ढकेल दिया, ऐसा इमेजिन करिए कि आप एक अंधे हाथों को नाली में ढकेल दे रहे हैं। नेक्स्ट, हरियाणा, हरियाणा से हरिया, आप याद करिए हरिया मैंने आपको बताया था हरियाणा से, तो हरिया नाम के व्यक्ति को आप पैसे देते हो, क्या देते हो, पैसे, नाइन से पी और एस से एस, सॉरी जीरो से एस, तो पैसे देते हो, क्यों, क्योंकि वो क्या है, आपका दास है, दास, डी एस, दास, दास मतलब होता है नौकर, ठीक है, तो आप उसको पैसे देते हो, क्यों, क्योंकि वो आपका क्या है, दास है। नेक्स्ट, त्रिपुरा, त्रिपुरा में 60 MLA सीट है और 2 MP सीट है, कैसे पता करेंगे, देखो तीरपुरा, त्रिपुरा से मैंने बताया था तीरपुरा, तो आपने इतनी स्पीड से तीर छोड़ा और तीर पूरा का पूरा छोड़ दिया कि वो तीर जाके गैस में लग गया, गैस, जी से, सिक्स से जी और जीरो से एस, तो गैस में लग गया और गैस क्या हो गया, ऑन हो गया, ठीक है, एन है यहाँ पे ऑन, ठीक है, ऑन, जीरो का ओ से कुछ मतलब नहीं है, ऑन, ठीक है, गैस क्या हो गया, ऑन, तो यहाँ पे जीरो में नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, मैंने लगा दिया है जीरो, चलेगा, ठीक है, तो तीर पूरा छोड़ा और तीर कहाँ लगा, जाके गैस में, और गैस क्या हो गया, ऑन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, नागालैंड, नागालैंड से क्या बना सकते हो, नाग, जिसको मैंने पहले ही बनाया हुआ है, ठीक है, ये कुछ नया नहीं है, इसमें मैंने पहले से बनाया हुआ, अगर मेरा पहला वीडियो आपने देखा है, करेंसी कैपिटल
जितनी वीडियो मैंने, हाँ, रिवर एंड डैम पे बताया हुआ था, ठीक है, रिवर एंड डैम पे जो मैं चीजें बताया था, अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल पे आप क्लिक करेंगे, मेरे प्लेलिस्ट पे पहुंचिए, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा सीरीज मिल जाएगा, एक एक करके, क्यूब पे मिल जाएगा, पीरियड टेबल पे मिल जाएगा, डैम पे मिल जाएगा, करेंसी पे मिल जाएगा, बुक्स एंड ऑथर पे मिल जाएगा, ठीक है, तमाम वहां पे बहुत ज्यादा वीडियो मैंने बना दी है, तो आप जाके वहां से सीख सकते हो, पूरी की पूरी चीजें मैं याद करा सकता हूँ आपको, ठीक है, आर्टिकल्स भी याद करा सकता हूँ, आप कमेंट करिए अगर आपको चाहिए। नागालैंड, आप ऐसा इमेजिन करिए कि आपके घर पे नाग आया एज ए गेस्ट बन के, ठीक है, एज ए क्या, गेस्ट, गेस्ट से क्या लगेगा, GOS, ठीक है, टी नहीं लेना है क्योंकि गेस्ट को अगर ब्रेक करेंगे तो 601 होगा, तो वन नहीं लेंगे, 601 कोई सीट होती है क्या, 601 कहीं पे सीट नहीं है, ठीक है, टोटल भी मिला दिया जाएगा तो 600 होगा, 600 सीट अकेले कहीं की नहीं होती है, तो आप कॉमन सेंस यूज करेंगे, वन को हटा देंगे, तो एज ए नाग आपके घर पे गेस्ट आया और अकेले आया, सोचो कितना निडर है वो, किस अकेले आया, ठीक है, अकेले मतलब सिंगल एक आया, ठीक है, अकेले आया है, तो गेस्ट आया कौन, नाग, और अकेले आया। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, अरुणा नाम, अरुणा नाम की लड़की को आप बोलते हो कि गैस ऑन कर दे, क्या कर दे, गैस ऑन कर दे, अरुणा, अरुणा नाम की लड़की को आप क्या बोलते हो, गैस ऑन कर दे, गैस को क्या कर दे, पूरा ऑन कर दे। नेक्स्ट, मेघालय, मेघालय से क्या है, मेघालय से है मेघा, मेघा मतलब होता है बारिश, तो आपने मेघा नाम की लड़की को बोला कि बारिश आ रही है, गैस ऑन करके कुछ बढ़िया चीज बनाओ, पकौड़े वकौड़े बनाओ, खाते हैं, ठीक है, तो आपने क्या बोला कि मेघा नाम की लड़की, क्या बोला, बारिश आ रही है मेघा, बारिश आ रही है, गैस ऑन करो, गैस ऑन करो, कुछ बनाओ बढ़िया, ठीक है, तो मेघा नाम की लड़की को क्या बोला, 1602, ठीक है। नेक्स्ट, पंजाब, पंजाब से क्या होता है, पंजा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पंजाब से पंजा, तो पंजा 117 MLA सीट होती है और 13 MP सीट होती है, इसको कैसे बनाओगे, पंजाब पे 117, तो वन से डी आप दादा बन गया, ठीक है, दादा का पंजा, दादा के पंजे में बहुत दम है, दादा के पंजे में बहुत दम है, तो पंजा, पंजा दादा के, डी डी के, ठीक है, दादा के पंजे में बहुत दम है, DM, ठीक है, दम है। नेक्स्ट, ओडिशा, ओडिशा से क्या बन सकता है, 147 है और 21 है, ओडिशा डिस, अगर उड़ीसा को बोलेंगे बार बार तो डिस आता है, डिस, ठीक है, तो डिस, जो जब भी देखो डिस, जब आप डिस खाने का मन करता है, आपको जब भी डिस खाने का मन करता है तो ट्रक से लेके आती है आंटी, कौन लेके आती है, ट्रक से लेके आती है आंटी, अगर आंटी ट्रक से लेके आती है, अगर इतना भी याद आ जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी मैं बताता हूँ, देखो अगर इतना भी याद आ गया तो आप, मैंने बताया कि कम नंबर होंगे तो हमारे कौन सी सीट होगी, एमपीएस, क्योंकि एमपीएस की हमेशा सीट क्या होती है, कम होती है, तो एमपीएस के लिए कम कर देंगे, तो जब भी आपको डिश की जरूरत होती है तो आंटी ट्रक से लेके आती है, पूरा ट्रक भर के डिश लेके आती है, आप जैसे आंटी को बोलते हो आंटी डिश खाना है, आंटी पूरा, आंटी क्या करती है, पूरा का पूरा ट्रक भर के डिश लेके आती है, तो डिश जब भी खाना आता है तो ट्रक, ठीक है, निमो सब वर्ड हटा के सिर्फ हमको जो नंबर चाहिए वही लिखा हुआ है वर्ड, तो ट्रक किससे लेके आती है, आंटी, आंटी, आंटी से ए, सॉरी ANT, तो एंटी, हमको एंटी लेना है, ठीक है, तो ट्रक, ओडिशा। नेक्स्ट, केरल, केरल, केरल से मैंने इंडिकेट किया था केरला, ठीक है, केरला, तो केरला कहाँ मिल रहा है, ये एड्रेस यहाँ पे क्या आएगा, एड्रेस, ये एड्रेस न्यूज पे बता रहा है, किस पे बता रहा है, न्यूज पे बता रहा है, एड्रेस यहाँ से एड्रेस होगा, और डी है, दो बार तो हमको एक लेते हैं, मैंने ये मेरी ट्रिक है, मैंने आपको बताया हुआ है, यस पे 0 एक ही आएगा, तो एड्रेस, ठीक है, केरल, केरला कहाँ मिलेगा, केरला कहाँ मिलेगा, ये एड्रेस न्यूज पे बता रहा है, ऐसा कभी पॉसिबल है, पॉसिबल होगा, जब केरला का हड़ताल पड़ जाएगा, केरला कहीं मिलने वाला ही नहीं रहेगा, तब पता चलेगा, ठीक है, बट अभी के लिए कॉमेडी इमेज बना सकते हो। मणिपुर, मणिपुर पे कितने सीट्स हैं, 16 सीट है, ठीक है, तो मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर से मैंने बताया था मणिपुरा, मणिपुरा, जितने भी मणि है, आपने अपने घर वाले को बहुत गुस्से में बोला कि जितने भी मणि है मणिपुरा गैस पे जला दो, गैस पे, गैस को ऑन करके जला दो, ठीक है, मणि पूरा गैस ऑन करके, गैस ऑन करके जला दो, ठीक है, मणि पूरा गैस ऑन करके जला दो। नेक्स्ट, तमिलनाडु, तमिलनाडु पे 234 39, तो तमिलनाडु पे कैसे बने, तमिलनाडु को मैंने बड़ा बताया था मिलना, तमिलना, तमिलनाडु को कैसे बताया था मिलना, तो आप मिलने जा रहे हो एक नामर्द, ये नामर्द, NMR, नामर्द, एमपी से किसे मिलने जा रहे हो, नामर्द एमपी, एक ऐसा एमपी है जो नामर्द है,
उससे आप मिलने जा रहे हो, तो नामर्ड एमपी से, नामर्ड को ब्रेक करेंगे तो 234 और एमपी से 39। नेक्स्ट छत्तीसगढ़, छत्तीस का आंकड़ा, छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीस का आंकड़ा, आपका छत्तीस का आंकड़ा है पैसे को लेके आपके दादा से, पैसे को लेके, पैसे ठीक है, पैसे 9P और S से 0, तो पैसे को लेके किससे आपका छत्तीस का आंकड़ा है, आपके दादाजी से, ठीक है, तो दादा से क्या हो जाएगा 1, 1, कितना ज्यादा इजी है, ठीक है। इसको अभी अगर आप लिखना चाहेंगे तो मात्र बता रहा हूँ 2 मिनट के अंदर, आपने नहीं लिख दिया तो ना फाड़ दूंगा, ठीक है। अगर आपने पूरी वीडियो को ध्यान से सुना रहेगा और इमेजिन किया रहेगा तो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, पूरा का पूरा आप लिख सकते हैं। जैसे कोई पूछेगा या तो आप अभी फोन रख दीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए और किसी को पूछने के लिए बोल दीजिए, देखिए आप पूछेगा वो तो आप पूरे का पूरे सीट बता सकते हैं। बस आपको ये शर्त है, आपको ये वर्ड याद आना चाहिए, वर्ड असम बोला तो आसाराम याद आना चाहिए, बिहार उत्तर प्रदेश से आपको बनाना है, झारखंड झार याद आना चाहिए, सिक्किम में सीख कम हो गए, सीख कम हो गए तो क्या हो गया, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता तो आप क्या हो गए, अकेले हो गए। बहुत ज्यादा इजी ट्रिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा यूजफुल है क्योंकि रेलवे एग्जाम में कभी कभी इससे ही क्वेश्चन बन जाते हैं और हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपके ये 20 मिनट, आपने अगर 20 मिनट दिया हुआ है तो आपके ये रेलवे एग्जाम आप दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपका ये मार्क्स बचाएगा, अगर आप ये रखने बैठते थे तो मेरे ख्याल से तो नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गए टोटल 20, इसके बाद वाले वीडियो में 8 और बता दूंगा, हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आप देख रहे हैं, आप लोग व्यू करते हो, देखते हो, अच्छा है खराब है कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हो, मुझे भी लगता है कि क्या बोलू मैं, अच्छा मैं भी नहीं सोच सकता कि अच्छा है या खराब है, क्यों, क्योंकि मैं मुझे तो प्रूफ दिख नहीं रहा है ना। अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं तो भी मुझे प्रूफ दिखेगा तो आप डिसलाइक कर दीजिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप डिसलाइक करें और नीचे प्लीज कमेंट करें कि क्यों डिसलाइक कर रहे हो, ताकि मैं उन चीजों को क्या कर सकूं, सुधार सकूं, ठीक है। अगर कुछ कमियां लगती हैं तो आप डिसलाइक बिल्कुल करें और नीचे कमेंट जरूर करें, और अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, अच्छे कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बस यही मेरी आपसे निवेदन है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक को लेके। अगर आपको भी कोई टॉपिक चाहिए जो आपको याद नहीं हो पा रही है, मैं उसको बहुत ज्यादा इजी बना दूंगा, आप बस कमेंट करिए नीचे और उस पर रिस्पॉन्स अगर अच्छा आ गया तो मैं तुरंत उस वीडियो को अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।